बट आई एम टेलिंग यू कि ही इज नॉट सक्सेस पीएम। नो पीएम नहीं है, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार इसी समय बड़ा है, महंगाई इसी समय बड़ी है, बेकारी इसी समय बड़ी है, रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है, 2 करोड़ हर साल देने वाले के किस समय रोजगार बढ़ा था 100 रुपए था, 170 रुपए मजदूरी था, जब आज के डेट में एक मिस्त्री है, एक लेबर का मिस्त्री 400-500 रुपए तो मैं 1.5 लाख रुपए का गाड़ी लेकर चला रहा हूँ तो 100 रुपए का तेल नहीं भरवा सकता हूँ। आपकी इनकम बढ़ी है तभी तो महंगाई भी बढ़ी है, आपका सब चीज बढ़ा है तभी तो महंगाई बढ़ रही है। जाएगा तो 10 रुपए का उसका आमदनी रहेगा। कौन सी सरकार जो काशी विश्वनाथ का इतना विकास किया है, राम मंदिर बनवाया है, ऐसा कोई सरकार है जो राम मंदिर बनवा दिया, और कोई प्रधानमंत्री है जो हमारे बनारस जिला में उमराहा मार्केट में आया है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा हुआ आप काशी में, 2-3 महीने और रुक जाइए। क्या बोलेंगे, अंतिम समय चल रहा है मोदी जी का, अपने परिवार को बिखेर दिए हैं, अपने चाचा से खुद बिखर गए हैं, वो क्या बताएगा, अखिलेश सिंधु ने हिजड़ा है मत बोलो, वो अपने अपने परिवार के जिसके ईमान सही रहे तो वही बनारस में उस जो हिंदुओं पर हिंदू का विरोध करे वो हिंदू ने हिजड़ा है। यादव का अंतिम समय है, न कि मोदी जी का है, क्योंकि अभी उनको रहना है, देश के लिए बहुत सी चीज़ें किया अखिलेश यादव और मुलायम यादव ने, क्या किया है बनारस में, कभी आए हैं, कभी बनारस को साफ किया है, जितना मोदी जी और योगी जी ने किया है बनारस में काम, जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, गंगा गंदी है, गंगा साफ किए, क्या साफ किए थे अखिलेश यादव और मुलायम यादव ने। बट आई एम टेलिंग यू कि ही इज नॉट सक्सेस पीएम। नो पीएम नहीं है, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार इसी समय बड़ा है, महंगाई इसी समय बड़ी है, बेकारी इसी समय बड़ी है, रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है, 2 करोड़ हर साल देने वाले के किस समय रोजगार बढ़ा था आप बताइए, किस समय रोजगार बढ़ा था, आप बोल रहे थे तो जब नहीं कि रोजगार नहीं बढ़ा, किस समय रोजगार बढ़ा था थोड़ा आप ही तो बता दीजिए। 45 साल में सबसे ज्यादा रोजगार भी बेरोजगार बढ़ा है 45 साल में। आप ये नहीं समझ सकते हैं, अगर दूसरा पीएम होता तो आज देश बर्बाद हो चुका होता, क्योंकि कोरोना काल में जितना है, मेरे भी लगता है कि मोदी जी एक सफल प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। क्यों नहीं बनेंगे, देखिए जो उस टाइप के हैं उनके लिए तो नजरिया अपना चेंज कर लें, और हमारे प्रधानमंत्री जी बनेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी बनेंगे। मोदी जी से इनको क्या चाहिए, खुश नहीं है मोदी जी से, क्यों नहीं खुश हैं, क्या चाहिए इनको, किस लिए खुश हैं, बेरोजगारी महंगाई सब बड़ी है, ये क्या करते हैं आप, इनसे पूछिए ये क्या करते हैं, क्या लगता है मतलब कौन ये सब दूर कर पाएगा इस बार यूपी में, किसको मारा, देखिए कौन दूर कर सकता है वो फ्यूचर किसी के बारे में नहीं, किसी की फ्यूचर नहीं बताई जा सकती है, लेकिन आज से पहले महंगाई इस स्तर पर था, 65 रुपये लीटर जब तेल था तो हम लोग को लगा कि बहुत महंगा है, जब 80-90 रुपया सरसों का तेल था उसमें भी लग रहा था बहुत महंगा है, और आज 200 रुपया किलो तेल बिक्री हो रहा है, 105 रुपया किलो। अरे अरे सर सुन रहे हैं कि मैं लेबराई कर रहा हूँ, मैं लेबर हूँ, पेट्रोल मैं लेबर 65 रुपये था उस समय, पेट्रोल का इंक्रीजमेंट, इनकम भी बढ़ी है महंगाई के साथ साथ, अगर कल आपका 40,000 वेतन था तो आज 60,000 है, जिस चीज का किराया 100 रुपये था जो 150 रुपये है, तो कहीं महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई के साथ साथ इनकम भी बढ़ी है। अभी आप ही कह रहे थे कि बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ी, आप ये कह रहे थे अभी, अपने बात से मत करिए, अभी महंगाई बढ़ी है तो कमाई बढ़ी है, महंगाई तो कमाई बढ़ी है, अगर आपका इनकम बढ़ा है तो महंगाई भी बढ़ी है, आपका इनकम मोदी जी ये कह रहे हैं एक सफल प्रधानमंत्री नहीं, सफल प्रधानमंत्री माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी सफल प्रधानमंत्री है, शायद इनका भाषण ये सही से सुने नहीं है, जो कि बेटियों के विकास के लिए आज बोले हैं, सबका विकास है, बेटियों के विकास के लिए बोले हैं। सरकार में 150 रुपये था, 170 रुपये मजदूरी था, जब आज के डेट में एक मिस्त्री है, एक लेबर का मिस्त्री 400-500 रुपये तो मैं 1.5 लाख रुपये का गाड़ी लेकर चला रहा हूँ तो 100 रुपये का तेल नहीं भरवा सकता हूँ। आपकी इनकम बढ़ी है तभी तो महंगाई भी बढ़ी है, आपका सब चीज बढ़ा है तभी तो महंगाई बढ़ रही है। जाएगा तो 10 रुपए का उसका आमदनी रहेगा तो 20 रुपए का बेचेगा।
देगा, इतना जब वो देगा तो जाहिर सी बात है इतना इतना जब फैसिलिटी देगा तो महंगाई तो बढ़ना ही है। आप क्यों चल रहे हैं इतना, आप इस रोड पे क्यों चल रहे हैं? इतने सालों में कौन सी सरकार है जो काशी विश्वनाथ का इतना विकास किया है, राम मंदिर बनवाया है? ऐसा कोई सरकार है जो राम मंदिर बनवा दिया? और कोई प्रधानमंत्री है जो हमारे बनारस जिला में उमराह मार्केट में आया है? कोई मुख्यमंत्री है? कोई नहीं है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। इसके बाद न कोई है न कोई हो सकता है, सिर्फ भाजपा, ओनली भाजपा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा हुआ आप काशी में, दो तीन महीने और रुक जाइए। भाजपा को क्या बोलेंगे? अंतिम समय चल रहा है मोदी जी का, अपने परिवार को बिखेर दिए हैं, अपने चाचा से खुद बिखर गए हैं, वो क्या बताएगा? अखिलेश सिंधु ने हिजड़ा है, मत बोलो। वो अपने अपने परिवार के का विरोध करे वो हिंदू ने हिजड़ा है, कुछ गठबंधन करके देख लिए, कुछ इस बार भी देख ले, आने वाला समय है चार महीने में फैसला देख ले कि योगी का क्या होने वाला है, उनका क्या होने वाला है। आज रैली किए है, जनसभा किए, बनारस में नहीं आते, जिसका क्रम ही सही नहीं होता तो बनारस नसीब भी नहीं होता है। जो सही है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी सही है और सत्य के रास्ते पे चलते, इसलिए बनारस उनको नसीब है, बनारस के लोग उनको। जो हमारा मोदी लहर है बनारस की, पूरी लहर है मोदी की। कहाँ से आ रहे हम? बनारस के ही हैं। अच्छा, यहाँ पे पीएम मोदी आज आए हुए? जी बिल्कुल आए थे। ऐसा लग रहा है आपके क्षेत्र में आए हुए? हमारे क्षेत्र में आए, प्रधानमंत्री गंगा ने बुलाया। माँ गंगा ने 14 में बुलाया था खुद, अब बाबा विश्वनाथ जी ने उनको फिर पुनः बुलाया मिलन करवाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ जी का जो बरसों से मिलन रुका हुआ था उसको पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी ने कराया है। तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि दो तीन महीने रुक जाइए, आपका अंतिम समय चल रहा है, अच्छा हुआ आप काशी में। बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश यादव जी एकदम घबराए ना, एकदम आराम से वो लखनऊ में बैठे रहें, इसके बाद जनता उन्हें खुद उनके जगह पे पहुंचा देगी जहां उन्हें जाना है। और आपको दिख रहा है पूरे पूर्वांचल से लेके आप प्रदेश के किसी भाग को देखे जहाँ विकास की गंगा बह रही है, और इसको नहीं दिखता है सर, विपक्ष को नहीं दिखाई देगा। विपक्ष इस टाइम अपने आँख पे चश्मा लगा चुका है, उनको आगे पता नहीं है कि रास्ता है कि नहीं है उनके पास, और खुद जो विकास है जनता देख रही है, विपक्ष को देखने की जरूरत क्या है? तो काशी विश्वनाथ के लोकार्पण से इतने दुखी क्यों हुए? क्योंकि उनको औरंगजेब भी कहा जा रहा है अखिलेश यादव। ऑलरेडी वो औरंगजेब है, इसलिए मस्जिद नहीं बनवाई गई है, इसलिए अखिलेश यादव दुखी है। जिन्ना की मूर्ति का लोकार्पण चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, सही कह रही है, उनको चाहिए था कि जिन्ना की, जिन्ना की मूर्ति चाहिए। हमारे काशी विश्वनाथ के देखकर उनको तकलीफ हो रहा है, कह रहे हैं कि मतलब ये सपना हमारा था, फीता बीजेपी का सपना, नींद शेख चिल्ली के सपने देखना अखिलेश जी बंद करें। चूंकि मोदी जी ने विकास का और योगी जी के साथ मिलकर जो ये डबल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश में विकास की है, अब दूर दूर तक ये लोग दिखने वाले नहीं है, सपना देखना छोड़ दें। कल का अखिलेश जी कह रहे हैं कि मोदी जी एक अजूबे की तरह काम कर रहे हैं, योगी जी एक अजूबे की तरह जैसे जिन है वैसे घिस दिया गया और निकल गए, तो ये जो है कल का, अभी अखिलेश जी का एक और बयान आया है, कह रहे हैं कि मोदी जी का अंतिम समय चल रहा है। नहीं तो ये उनके लिए है ना, ये कहने वाले वो बहुत कुछ कह सकते हैं। आप जो कहा है ये अखिलेश यादव का अंतिम समय चल रहा है, उनका नहीं चल रहा है। नहीं नहीं, हमारे मोदी जी अगर बनारस में आ रहे हैं तो उनका ये उल्टा बयान है ना, कह रहे हैं कि अंतिम समय में लोग काशी ही आते हैं और मोदी जी का अंतिम समय। नहीं नहीं, वो खुद सोच समझ रहे हैं। इधर हम तो कहना चाह रहे हैं, हम तो कहना चाह रहे हैं कि वो तो अंतिम समय किसका है वो दिख रहा है यहाँ पे, और कैसे है वो दिख रहा है, वो जनता तय कर लेगी कि किसका अंतिम समय है और क्या है। गंगा गंदी है इसीलिए योगी जी डुबकी नहीं लगा, देख लेना गंगा में क्यों नहीं आए वो। ये तो कल कह रहे
कि मोदी जी ने डुबकी लगाई, योगी जी ने नहीं लगाई, क्योंकि उन्हें पता था गंगा गंदी। इतना शासन था, क्यों नहीं आए कोई गंगा जी में नहाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए? कोई नहीं आया था। और जो सही होते हैं वही बनारस में आते हैं ना, फालतू के लोगों के लिए, गलत कार्य करने के लोगों के लिए, उनके लिए बनारस नसीबा नहीं। जी को हो क्या गया है, ये ऐसा ऐसा बयान क्यों आ रहा है? बस बहक गए हैं, बौखला गए हैं, बहक गए हैं, जो कि अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किस हद से गिर सकते हैं, वो अखिलेश जी से सीखे इंसान। अखिलेश जी एक ऐसे इंसान हैं जो अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एकदम बहक गए, बौखला गए कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, गुंडा ये इसमें। तो बोले युवा यूपी का हमारे साथ, अभी युवा उनके साथ कोई नहीं, युवा उनके साथ है।